जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली है कि आप ट्रेनिंग के दौरान अपने परिवार से कितनी बार मिल सकते हो, यानी ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो परिवार से आपकी मुलाकात कितनी बार हो सकती है। अगर आप चाहे CRPF, BSF, ITBP, CISF, असम राइफल आर्मी, किसी की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान अपने परिवार से कितनी बार मिल सकते हैं, यानी एक साल में पूरी ट्रेनिंग के दौरान कितनी बार मिल सकते हैं, एक महीने में कितनी बार मिल सकते हैं, या एक महीने में दो बार, तीन बार, कितनी बार मिल सकते हैं, ठीक है। साथ ही इससे के साथ ही बता दूँ, जो मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। उस पर आने वाली नई वैकेंसियाँ उसके अपडेट में लेके आता हूँ कि नई नई वैकेंसी कौन सी आने वाली है, उससे आप जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। साथ में तो रीजनिंग की क्लास उधर चलती है दोस्तों, तो आप ज़रूर जाके जुड़ जाइए उससे। अब बात करते हैं कि आप ट्रेनिंग में अपने परिवार से कितनी बार मिल सकते हैं या मिल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके चाहे कोई सी भी ट्रेनिंग सेंटर, चाहे आपका कश्मीर में हो, जोधपुर में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा, पंजाब, कहीं पे भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है, और चाहे आपकी स्टार्टिंग ट्रेनिंग हो चाहे लास्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान जैसे संडे की आपकी ऑफ रहता है, ठीक है। और मोबाइल तो आजकल ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर क्या ट्रेनिंग में मोबाइल यूज़ करने देते हैं या नहीं करने देते, तो ये तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ट्रेनिंग में मोबाइल आप साथ में लेके जा सकते हैं, अपना अच्छा सा मोबाइल साथ में लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ट्रेनिंग में मोबाइल अलाउ रहता है, केवल ग्राउंड में या ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है, ट्रेनिंग का जो टाइम होता है, उसमें आपको मोबाइल नहीं रखने दिया जाता। उसके अलावा आप मोबाइल अपने पास में रख सकते हो दोस्तों, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आप मोबाइल साथ में ज़रूर लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे ग्राउंड से आओगे मोबाइल अपनी लाइन में यूज़ कर सकते हो, नाइट में यूज़ कर सकते हो, दिन में जब ग्राउंड में नहीं रहोगे तब यूज़ कर सकते हो मोबाइल, ठीक है। उसके अलावा अब बात रही कि परिवार से मिलने की, तो दोस्तों चाहे कोई से भी ट्रेनिंग सेंटर हो, अगर आप संडे को आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आता है तो आप ज़रूर उससे मिल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। आप ट्रेनिंग संडे को भी रहता है, आपके परिवार वालों के साथ आराम से बैठ सकते हो, चाय पानी पी सकते हो, मज़े से मिल सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। उनसे कोई भी आपकी आवश्यक सामग्रियां मंगा सकते हो, जैसे हरियाणा पंजाब वाले तो लाडू मंगाएंगे, राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले लाडू पाडू मंगाते रहेंगे, तो इनका पक्का चलता ही रहेगा, देखना। और किसी की फैमिली आई नहीं आई, कभी इनका भाई, कभी इनका मौसा, कभी इनका दादा फादा आते ही रहेंगे, लाडू लाते रहेंगे ट्रेनिंग में, ठीक है। तो कितनी बार लाडू मंगाना, खाना अच्छे से, तो मतलब आप अपने परिवार से कितनी बार मिल सकते हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ ट्रेनिंग के हिसाब से ये नहीं कि आप एक महीने में चार बार बुलाओ, ऐसा नहीं। महीने में आप एक बार अपने परिवार से मिल लेना बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा बुलाओगे आपको भी ज़्यादा मतलब दिल करेगा घर जाने का, इसलिए मैं तो मिला ही नहीं ट्रेनिंग में। तो अभी क्योंकि उससे थोड़ा ईजी रहता है कि चलो फैमिली मेम्बर से ना मिले तो उनको देख के फिर ज़्यादा दिल करता है घर जाने का, तो इससे अच्छा आप कोई काम आवश्यक तो आप अपनी फैमिली से ज़रूर मिल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अगर आपके कोई एंगेजमेंट करने वाला आए, कोई लड़का देखने वाला आए, तो ट्रेनिंग में ज़रूर बुला लेना, तो वो देख लेगा एंगेजमेंट ट्रेनिंग में कर लेना, वैसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, वो ये कि आप परिवार से मिलोगे तो फिर बार बार घर जाने का दिल करेगा, इसलिए जब आ सको तभी बुलाना। बाकी आप ट्रेनिंग में कितनी भी बार मिल सकते हो अपने परिवार से, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी मेरे को मैसेज किए थे तो ये सभी को रिप्लाई। जय हिंद, जय भारत।